हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये ऑप्टिकल इमेज क्या होता है और कितने टाइप्स के इमेज होते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे हम लोग। और साथ में इन दोनों जो टाइप्स ऑफ इमेज हैं उनमें डिफरेंस भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये ऑप्टिकल इमेज क्या होता है। तो जो ऑप्टिकल इमेज होते हैं वो एक ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे कि जो लाइट की रेज पड़ती हैं रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा दिखाई देता है, मतलब या तो वो रियल में इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को वो रेज लाइट की, या फिर दिखाई पड़ती हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ पर वही इंटरसेक्शन होता है उसी पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल इमेज का पॉइंट कहते हैं, मीन्स कि वही पॉइंट पे ऑप्टिकल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्टिकल इमेज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एन ऑप्टिकल इमेज इज ए पॉइंट वेयर रेज ऑफ लाइट आइदर इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट। मीन्स कि ऑप्टिकल इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो लाइट की रेज आती है या तो वो रियल में इंटरसेक्ट करती है या फिर इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देती हैं, अपीयर टू इंटरसेक्ट, उसे ही ऑप्टिकल इमेज कहा जाता है। तो ये जो इमेज होते हैं इनके कितने टाइप्स होते हैं? तो ये दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के इमेज फॉर्मेशन होते हैं। तो एक जो होता है वो रियल इमेज होता है और जो सेकंड होता है वो वर्चुअल इमेज होता है। तो हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अब डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रियल इमेज क्या होते हैं। तो गाइस, ये जो रियल इमेज होता है ये मतलब जो रेज आती हैं लाइट की रेज वो या तो रिफ्लेक्ट करेंगी या फिर रिफ्रैक्ट करेंगी। उनमें दो ही फेनोमेना होता है, या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो दोनों फेनोमेना में से जो भी होगा, जो भी फेनोमेना वहाँ पे ऑकर होगा, तो वो जो लाइट की रेज आएंगी रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन होने के बाद जो वो रेज होती हैं वो एक्चुअली कहीं पे जाकर के कन्वर्ज हो जाएंगी और एक पॉइंट पे कहीं पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। तो वही जो पॉइंट होगा वहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो रियल होगा। मीन्स कि दो रेज जब आ रही हैं लाइट की, तो या रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन, दोनों में से कोई भी फिनोमेना वहाँ पर होगा, तो वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के बाद वो जो दोनों रेज होंगी वो एक्चुअली कहीं पे कन्वर्ज करेंगी किसी भी पॉइंट पे। तो वही जो पॉइंट होगा वहाँ पे एक इमेज का फॉर्मेशन होगा और जो इमेज वहाँ पे फॉर्म होगा वो रियल इमेज कहा जाएगा। तो ये तो रियल इमेज के फर्स्ट पॉइंट हो गई कि रियल इमेज कैसा होता है, मीन्स कि जो एक्चुअली कन्वर्ज होते हैं किसी पॉइंट पर वो रियल इमेज होते हैं। और जो रियल इमेज होते हैं वो स्क्रीन पर मतलब ऑब्टेन किए जा सकते हैं, वो बहुत ही इजीली स्क्रीन पे ऑब्टेन होते हैं। और जो इमेज बनते हैं, जो रियल इमेज होते हैं, वो ऑलवेज इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड मीन्स कि उल्टे होते हैं, उल्टा होता है हमेशा। जो रियल इमेज होता है वो ऑलवेज उल्टा होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि सिनेमा हॉल है तो वहाँ पे जो एक्टर्स होते हैं उनका जो इमेज फॉर्मेशन स्क्रीन पे दिखाई देता है वो उल्टा होता है। पहले तो वो इन्वर्टेड होता है, स्क्रीन पे ऑब्टेन भी हो जाता है, और जहाँ पे वो मतलब पॉइंट पे कन्वर्ज होगा वो रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगा। वो एग्जांपल रियल इमेज का है, मीन्स कि किसी भी सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर जो एक्टर्स का इमेज दिखाई देता है वो रियल इमेज है। तो ये हमने रियल इमेज के बारे में देखा। अभी हम लोग देखेंगे वर्चुअल इमेज क्या होता है और वो भी हम लोग देखेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग जब रियल और वर्चुअल इमेज समझ जाएंगे तो उसके बाद उन दोनों में हम लोग डिफरेंस भी देख लेंगे, तो ईजिली हम लोग को कंपेरिजन हम लोग कर सकते हैं और हम लोग को समझ में भी आ जाएगा। तो गाइस, अभी हम लोग देखेंगे कि ये वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब लाइट की रेज आती हैं तो उनमें दो ही फेनोमेना होता है, या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो जो रेज लाइट की आती हैं रिफ्लेक्शन के बाद वो मतलब कि उन एक्चुअली वो मीट नहीं होती, कहीं पे मिलती नहीं है, बट अगर पीछे की तरफ उनको बढ़ाया जाए
पीछे की तरफ बैकवर्ड अगर उनको बढ़ाया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, तो वो मतलब कहीं भी मिलती हुई दिखाई देती हैं। वो वही जहाँ पे वो मिलती हुई दिखाई देती हैं वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, और वो जो इमेज वहाँ पे बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है। जो वर्चुअल इमेज होता है वो मतलब फोटोग्राफ्ड होता है, लेकिन वो स्क्रीन पे देखा नहीं जा सकता है। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब कि ये स्क्रीन पे नहीं पाया जा सकता है। और ये इरेक्ट होता है, मीन्स कि सीधा इमेज होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, डेली हम लोग अपना फेस देखते हैं मिरर में, प्लेन मिरर में, तो ईजली मतलब कि वो स्क्रीन पे नहीं पाया जा सकता है। तो जो हम लोग अपना फेस डेली देखते हैं, प्लेन मिरर होता है वो, जिस मिरर में हम लोग अपना फेस देखते हैं, तो जो प्लेन मिरर में हम लोग अपना फेस देखते हैं वो जो है वर्चुअल इमेज का एग्जांपल है। तो गाइस ये था वर्चुअल इमेज, हमने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज देख लिया। एक बार हम लोग इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जैसा कि बहुत ही सिंपल है, ये जो रियल इमेज होते हैं वो एक्चुअली कहीं पर जाकर के मीट करते हैं, बट जो वर्चुअल इमेज होते हैं वो एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, बल्कि दिखाई देते हैं कि हाँ वो कहीं जाके मिल जाएंगे। अगर उनको बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया जाए, बढ़ाया जाए, तो ऐसा दिखाई देता है कि हाँ वो कहीं मिल जाएंगे। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस ये है कि जो रियल इमेज होता है वो स्क्रीन पे इजीली ऑब्टेंड हो सकता है, बट जो वर्चुअल इमेज होता है वो कभी भी स्क्रीन पे नहीं पाया जा सकता है। जो रियल इमेज है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, जबकि जो वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट होता है, मीन्स कि सीधा होता है, और रियल इमेज उल्टा होता है। तो एग्जांपल में हमने देख लिया, जैसे रियल इमेज का एग्जांपल देख लिया एक्टर्स का, जब स्क्रीन पे किसी भी सिनेमा हॉल में देखो तो एक्टर्स का जो स्क्रीन पे इमेज बनता है वो रियल होता है, बट हम लोग जो अपना डेली फेस देखते हैं प्लेन मिरर में वो वर्चुअल होता है। तो ये गाइस हमने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज देखा, उनमें डिफरेंस भी देख लिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। आई होप आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट भी होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।